तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो यहां पे देखिए विश्नल डायहाइड में क्या होता है यहाँ पे दो कार्बन है ठीक है दोनों कार्बन से एक एक हेलोजन आइटम अटैच है ओके तो इस कंडीशन में इसे बोलेंगे विश्नल डायहाइड ओके वेरस जेमिनल डायहालाइड क्या होता है यहां पर दो कार्बन है बट यहां पर एक ही कार्बन से दो हेलोजन आइटम अटैच है ओके तो इसे बोलते हैं हम जेमिनल डाइहलाइड ओके सो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ओके okay, यहां पर देख सकते हो इस कार्बन से भी हेलोजन एटम अटैच है और इस कार्बन से भी हेलोजन एटम अटैच है तो ये कैसा हेलाइड है ये है विसिनल डाई ओके इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा दैट इज वन कॉमा टू इथेन ओके okay, इस कंपाउंड को हम यहां पर रिएक्ट करवाएंगे जिंक मेटल के साथ ओके okay, तो यहां पर क्या है ये डी हेलोजनेशन रिएक्शन है मतलब रिमूवल किसका होगा हेलोजन आइटम का रिमूवल होगा ओके okay? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है दो हेलोजन आइटम ठीक है तो ये दो हेलोजन आइटम रिमूव हो जाएंगे और जिंक के साथ कंबाइन हो जाएंगे ओके okay? तो जब यहाँ से दो हेलोजन आइटम रिमूव होंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा डबल बॉन्ड में ओके okay? तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ओके okay, और ये दोनों हेलोजन आइटम कंबाइन हो जाएंगे जिंक के साथ और क्या फॉर्म करेंगे जेड एंड सी एल टू ओके दिस इज अथिन नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल ओके तो यहां पर हमने लिया है वन कॉमर टू डाई ब्रोमो प्रोपेन ओके okay, तो आप ये देख सकते हो ये है विशनल डायहाइड ये कार्बन से भी एक हेलोजन आइटम अटैच है और ये कार्बन से भी एक हेलोजन आइटम अटैच है ओके okay, सो so इस कंपाउंड को हम रिएक्ट करवाएंगे जिंक मेटल के साथ ओके okay, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हेलोजन आइटम और यहाँ से हेलोजन आइटम रिमूव होंगे और जिंक के साथ कंबाइन हो जाएंगे ओके okay? जब यहाँ से दोनों ग्रुप रिमूव होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाएगा ओके okay? तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ओके यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा जेड एन बी आर टू ओके ओके okay. इस कंपाउंड का नेम क्या है वन टू थ्री थ्री कार्बन है सो so, क्या हो जाएगा ये दिस इज़ अ प्रोपीन